वैशाली नगर स्थित सियान सदन में कवि रविशंकर कनौजिया के काव्य संग्रह का विमोचन शहर के साहित्यकारों कथाकारों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। विमोचन अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए साहित्यकार कवियों ने इस अवसर पर विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। रविशंकर कनौजिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने काव्य संग्रह अपने स्वर्गीय पिता को समर्पित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भिलाई आने पर वे विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ते चले गए, लिखते रहे, लोगों के भावों को शब्द देते रहे, बड़े बड़े कार्यक्रमों को दो दो कॉलम तीन तीन कॉलम में समेटते रहे। कलौजिया जी की जो पंक्तियां उन्होंने भी हम सबको अर्पित की कि उन्होंने दो तीन चीजें बहुत अच्छी कही कि कोयल फ्री इसलिए रहती क्योंकि अपने बच्चे पालने के लिए कौवे को दे आती है। तो हम सब कोयल है यहाँ जो अपनी जिम्मेदारियां किसी और को छोड़ कर आए, सौंप कर आए घर पर, तब सब यहाँ फ्री बैठे हैं। दूसरा, साहित्य पढ़ने पढ़ाने के लिए या कविता लिखने के लिए भी थोड़ी फुर्सत चाहिए होती है, तो कोयल और कौवे वाली उपमा शायद वहां भी सही बैठती हो, पता नहीं। मगर कभी कविताएं दिल से निकला करती थी, लोग बोल देते थे और कविता हो जाती है, अनुभव निकल कर आ जाता था। एक कविता होती थी और एक ही कविता कालजयी हो जाती थी। अब हम कविताएं लिखने लगे हैं क्योंकि हमने अपने पूरे जीवन का अनुभव उससे पिरोना शुरू किया है और सोचने का तरीका भी हमारा बदला है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के साधन बहुत बड़े हैं, ज्ञानार्जन बहुत तेज हुआ है। पहले हम सिर्फ अपने परिवेश से सीखते थे, अपने आसपास के लोगों से सीखते थे, स्कूल में जाते थे गुरुजी से सीखते थे या पुस्तकों से सीखते थे, इसके अलावा हमारे पास कोई स्रोत नहीं था। फिर रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया, फिर टेलीविजन पर ढेर सारे चैनल आए, फिर इंटरनेट भी आ गया, फिर दुनिया भर में सोशल मीडिया कैंप आ गया, घटना घटित होने के पहले ही खबर आ जाती है। लता जी कल गई मगर उनके निधन का समाचार 4-5 दिन से सोशल मीडिया पर था। तो ऐसे दौर में कविता लिखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं आभारी हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कलौजिया जी को जो ये जिम्मेदारी न केवल उन्होंने उठाई है बल्कि निभाई भी है। और ये पुस्तक जैसा उन्होंने कहा कि लोगों ने इसको संकलन के रूप में प्रस्तुत करने का आग्रह किया था, एक पुस्तक छपवाना कितना, ये किताब अचानक मुझे मेरे मरणासन पिताजी के समय उनके एक वचन ने मेरे मन में ये भाव घूमते रहे। 57 में वो गुजरे, लेकिन गुजरने के 4 रोज पहले जब उनको कोई अधिक पीड़ा थी तो यूँ ही कहा, यार अभी कोई गीत सुनाओ। मैं उससे अबोध बालक था, मैं गीत समझता नहीं था, परिवेश मेरा ग्रामीण था। खैर ठीक है, आगे बढ़ता गया, स्कूल की शिक्षा पास की, भिलाई में आकर के मैं जो है शिक्षा ग्रहण शासकीय सेवा में लग गया। यहाँ पर जो है मुझे विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से जो है मैं जुड़ता गया और वो मेरे अंदर की एक गूंज थी कि पिता ने कहा कि यार कोई गीत सुनाओ, वो मुझे समझ आने लगा। मैं जो है साहित्यिक कार्यक्रमों को अंदर से मेरे निकलने लगे भाव और मैं अपनी वाणी को उसमें मैंने रमत रहा। शब्द मेरे स्वर से शब्द मिले मेरे और मैं लोगों के बीच में जो है स्वीकार होता गया। बस यही अनवर का भी चल रहा हूँ। मेरी जो रचना है, कृति है, काव्य कृति, दे रही है प्यार गंगा, इसमें मैंने हमारे देश की जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, इसके अंतर्गत से लेकर के मैंने भिलाई की हमारी जो मिट्टी से हम लोग लोहा बनाते हैं उसकी मैंने कथा आगे आगे बढ़ाया है और यहाँ के भाईचारे को उनको सबको मैंने इसमें संजोया है। उस गीत का जो टाइटल है, दे रही है प्यार गंगा, उड़ रहा कैसा तिरंगा, इस जहाँ की रीत है कि जोड़ लो तुम प्रीत जग से, और ऊंचे नीचे ये घराने, भूल करके भेद सारे, बल्कि कर लो प्यार जन से जिंदगी दिन चार की, लड़ रही चिमनी गगन से उड़ रहा धुआं पान में, और मिट्टियों के ढेर से अब
ढल रहा सोना चमक रहा।